सारी बीमार पड़े तुम्हारे घर में, कौन ठीक है? कोई भी ठीक नहीं है, किसी को कुछ होता है, कुछ होता है, कुछ होता है, रोज तो डॉक्टरों की दवाइयाँ आ रही होती है। नौकर होंगे तो भी होंगे, तुम्हारे घर में जो पीछे मरे मराए होते हैं उनको तो मनाना ही पड़ता है। न जाने कितने मौत करे मेरे बच्चे, साईं बाबा को, शिरडी वाले बाबा को वो भी मानते हो, कोई बात नहीं, उनको तो मंदिर भी मानते हैं, सारे मानते हैं, हम भी मानते हैं। आपके घर में जो आपके मरे हुए लोग हैं, हमारे में उनको पितर कहते हैं, आपके लोगों में उनमें क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। मरे हुए होते हैं जो, वो परेशान कर रहे हैं, और वो कौन परेशान कर रहे हैं? जो कवारे मरे हुए हैं और जिनके बच्चे नहीं थे। कौन मरे हुए हैं तुम्हारे घर में? भाभी और भाई से आपको मतलब नहीं है, आपके ससुराल की तरफ से, और आदमियों की बात करो, औरतों की बात भी नहीं करो। आप भी हो लिया बिना ससुराल के तुम आ गए यहाँ तक, तो पापा बिना किसी के आ गए क्या यहाँ तक? पापा के भी तो कोई होगा परिवार में आके, पीछे से किसी का बता रहे हैं। हाँ वही कह रही हूँ मैं, फिर तो तुमने तुम तो कुछ दो मेरी दुकान पर विवाद ही नहीं होता होगा ऐसा कुछ देने का। करते हैं ना लो जी, फिक्र मनवाओ बाबू जी, भेदभाव करना भी नहीं चाहिए, एक ही खून है, एक ही खून है सब लोगों का, लोगों ने बदनाम कर रखा है और एक के चक्कर में सारे बदनाम है। हाँ जो मैं बता रही हूँ ठीक है, डॉक्टर जो मैं कह रही हूँ ठीक कर देना, तो इससे हो जाओगे और दूसरा तेरे ऊपर हाथ भी आएगी। हाँ चलो क्या कर सकते हैं, दो चलते आएंगे नहीं बाबू, आपके जो पीछे वो मरे मरे हुए हैं ना, वो परेशान कर रहे हैं। बताओ दीदी को बता दिया, वो भोपाल को छुट्टी का डिपार्टमेंट है ये। हाँ जी बोलो जी, जमा करी इलाज पूरा करवा लिया था, दारू की बोतल चढ़ा दी थी माई को, फिर दो और पीने शुरू कर दी जिसने, क्योंकि चुराई वाली माँ तो लेती ही है, अब यहाँ नहीं पीने को लेती है। बहुत ही आई है गिर की चुराई पे ले ली माँ ने पहले। आज जब भी तो माँ ने ले ली क्योंकि मामा मरी है उसके। एक काम करो मसाने के भाई पहुँचवाओ लड्डू और बोतल, ये पहुँचवाओ पहले, उस पहले मसाने की बोतल लड्डू और बोतल उसके बाद वहाँ पिन दे दें तो फोटो लेके आना थी, चप्पल मंगवाओ भाई, फोटो मंगाऊंगी मैं चप्पल मंगवा निकल माँ की दुआ से बाबू, मेरा खुद की नहीं बना, इसकी दुआ से बना मेरा। और बाबू जी मंदिर छोटा पड़ रहा है, मुझे मैं सोचू ये वाला प्लॉट भी ले लूँ, ये वाला प्लॉट भी ले लूँ, इसकी दुआ होगी जब भी चल लूंगी। ऐसा ही होता है बेटा, लोग करते नहीं है फिर दुखी रहते। बताती हूँ अब ये तो आपके यहाँ घर में बताने वाला कोई नहीं है क्या? कविता जी से पूछे था ना, हमारी कविता भी यही है, मुझे भी नहीं पता था, इन्होंने ही बताया था, और इसके भी बड़े ठेकेदार जी रात को आ रखी थी तो वो बताती, वो चली गई।
गृह प्रवेश कैसे हो, दोबड़ वगैरह सारी चीज बताओ, फिर देवी देवता मौने रात कितनी सब बताओ। कविता जी मेरी कालका वहाँ की फोटो दे दो, बड़ी तड़प रही है भैया, वो कहीं से ला दो मुझे, बस बहुत तड़प रही है और यहाँ बैठ के बहुत बात कर रही थी फिर से भी, मेरे को ला दो वहाँ कहीं से ला दो, बहुत तड़प रही है, ऐसे ऐसे लगाना नीचे से फोटो ला के फोन लेके गया। ओए भाई हैदराबाद वाला लेके गया, मुझे लग रहा है बैग में घुस के ले गया वो, बहुत तड़प रही है, बहुत गंदे की तरह हैदराबाद वाले का तो पराठा ले गया, बहुत गंदी तड़प रही है मेरी, ऐसे सांस हो रही है, ला के देखो मैं करवा देती हूँ, मकान का सारे सामान बाबूजी, माँ का बहन दिखा रही है आपके ऊपर संकट चल रहा है और ये संकट